हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एसक्यूएल रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे वन टू वन। जैसे कोई डिलीवरी बॉय है, वो एक टाइम पे एक ही टाइम ऑर्डर डिलीवर कर सकता है, तो उसको हम लोग वन टू वन बोलते हैं। उसी के साथ वन टू मैनी, मतलब कोई यूज़र है तो वो मल्टीपल पोस्ट इंस्टाग्राम फेसबुक पे मल्टीपल पोस्ट कर सकता है, तो उसको हम लोग वन टू मैनी रिलेशनशिप बोलते हैं। उसके बाद आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मतलब कोई डेवलपर है, जैसे तीन डेवलपर है तो एक डेवलपर जो है वो एक साथ तीन टास्क पे काम कर सकता है, या फिर वही दूसरा डेवलपर एक एक जो टास्क है उसके ऊपर दो अलग अलग डेवलपर भी काम कर सकते हैं, तो इसको हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसका हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल, तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो रिलेशनशिप है वो है वन टू वन। तो अगर कोई, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बताया, जैसे कोई डिलीवरी बॉय है, जैसे आप जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करते हो, तो एक जो डिलीवरी बॉय है वो एक टाइम पे एक ही ऑर्डर डिलीवर कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो डिलीवरी बॉय है उसका हम लोग एक टेबल बनाएंगे, फिर ऑर्डर का दूसरा टेबल बनाएंगे। तो ऑर्डर टेबल के अंदर जो यूज़र आईडी होगा वो होना चाहिए हमारा यूनिक, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन टू वन। मतलब ये एक जो, तो इसके अंदर की जो प्राइमरी की है उसकी, उसका जो चाइल्ड टेबल है ऑर्डर टेबल, उसके अंदर उसकी एक ही टाइम एंट्री होगी। तो इसको हम लोग, अभी जो मैंने बताया वो आपको मैंने काफ़ी टेक्निकल बताया, तो इसका हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ माई एस क्यू एल वर्क बेंच के अंदर। तो मैंने इसके अंदर जोमेटो का डेटाबेस बना के रखा है, तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा यूज़र का टेबल, यूज़र मतलब हमारा डिलीवरी बॉय। तो इसके अंदर यूज़र आईडी मैंने डिफाइन किया, उसका नेम, फ़ोन नंबर। तो उसके बाद आएगा ऑर्डर टेबल, तो आप देख सकते हो ऑर्डर टेबल के अंदर है ऑर्डर आईडी, फिर कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, कौन सी डिश ऑर्डर किया, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर किया। उसके बाद आएगा यहाँ पे डिलीवरी जो बॉय है उसकी यहाँ पे आईडी, मतलब यहाँ पे मैंने यूज़र रखा हुआ है। हालांकि आप ये जो मैंने यूज़र नाम रखा हुआ है, इसको आप डिलीवरी बॉय भी लिख सकते हो, ड्राइवर भी आप लिख सकते हो, मतलब जो भी आपको टेबल का नाम देना हो वो नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको मैंने सिंपल यहाँ पे बनाया है फ़ौरन की, लेकिन इसके अंदर एक नई चीज़ किया है, तो आप देख सकते हो इसको मैंने बनाया है यूनिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इसको यूनिक नहीं बनाओगे तो आप इस ऑर्डर टेबल के अंदर जितने चाहो उतने यूज़र के रिकॉर्ड आप डाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस केस में फिर ये वन टू वन रिलेशनशिप मतलब रहेगा ही नहीं, वो वन टू मैनी बन जाएगा। तो इसलिए आपको अगर वन टू वन रिलेशनशिप खास करके बनाना है, तो उस केस में आपको ये जो फॉरेन की है यूज़र आईडी, इसको आपको कंपलसरी यूनिक बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊं, तो यूज़र टेबल के अंदर हमारे दो रिकॉर्ड है, एक है राजू दूसरा है बाबू। तो अभी ऑर्डर टेबल के अंदर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा रिकॉर्ड है। तो ऑर्डर टेबल के अंदर आप देख सकते हो ऑर्डर वन और यूज़र आईडी वन, मतलब राजू की, मतलब राजू को ऑलरेडी एक ऑर्डर असाइन हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र वन, यूज़र वन, तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो राजू की जो आईडी है वो है यूज़र वन, मतलब राजू को ऑलरेडी एक उसने डिलीवरी मतलब पिकअप किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसके अंदर ये जो दूसरा रिकॉर्ड है वो हम लोग इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो अभी मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एंटर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नीचे एरर आ रही है, डुप्लीकेट एंट्री यूज़र वन मतलब यू वन। तो वो हम लोग को ऐसा बता रहा है कि यूज़र आईडी जो है उसकी आप मल्टीपल एंट्री ऑर्डर के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक एकदम छोटा सा डिफरेंस है, अगर आपने इसको यूनिक निकाल दिया तो ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो वन टू मैनी बन जाएगा, मतलब यूज़र तो वन होगा लेकिन उसकी आप चाइल्ड टेबल के अंदर बहुत सारे एंट्री कर सकते हो, लेकिन उसको हम लोगों ने बना दिया है यूनिक। तो इस केस में आप ये जो चाइल्ड टेबल है ऑर्डर ऑर्डर के अंदर फिर से आप इस यूज़र को एंट्री नहीं कर सकते, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। मतलब जो प्राइमरी की वाला जो रिकॉर्ड है उसकी चाइल्ड टेबल के अंदर एक ही एंट्री होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके अंदर भी एक रिकॉर्ड, चाइल्ड टेबल के अंदर भी एक रिकॉर्ड, इसलिए इसको बोलते हैं वन टू वन
रिलेशनशिप। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं वन टू मैनी। तो स्टार्टिंग से हमें अभी मैंने आपको जितने भी टेबल बनाना सिखाया, डेटाबेस सिखा, और जितने भी हम लोगों ने टेबल बनाए सबके अंदर जनरली वन टू मैनी रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा। तो जैसे हम लोगों ने इंस्टाग्राम का डेटाबेस बनाया था, तो कोई यूज़र का टेबल है तो वो जो यूज़र है वो मल्टीपल पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकता है, मल्टीपल फोटो अपलोड कर सकता है, मल्टीपल रील अपलोड कर सकता है। मतलब यूज़र की एंट्री तो एक ही है, लेकिन ये यूज़र पोस्ट टेबल के अंदर मल्टीपल एंट्री डाल सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन टू मैनी। तो इसको आप समझ सकते हो कि वन मतलब है प्राइमरी की। तो ये जो प्राइमरी की होगा, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फ्रेंड अभी आ जाओ MySQL वर्कबेंच के अंदर। तो मैंने इसके अंदर पहले इंस्टाग्राम का डेटाबेस बनाया, तो एक्चुअली वो ऑलरेडी मेरे पास था ही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बैकवर्ड बैकवर्ड लिखा हुआ है, और ये जो क्रिएट टेबल है वो मैंने कैपिटल में लिखा है। तो एक्चुअली वो मैंने लिखा ही नहीं था, मैंने यहाँ से किया है कॉपी। तो अगर आपको क्रिएट टेबल की जो सिंटेक्स है वो चाहिए, अगर आपको इंसर्ट का सिंटेक्स चाहिए, तो अगर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस अवेलेबल होगा तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है। तो अगर आपको क्रिएट का सिंटेक्स चाहिए तो कॉपी टू क्लिक बोर्ड के अंदर जाओ, तो इसके अंदर आप देख सकते हो इंसर्ट का सिंटेक्स, अपडेट का सिंटेक्स, डिलीट का, क्रिएट का, तो जो चाहो वो सिंटेक्स आप कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे क्लिक करोगे वो कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे मैं आपको न्यू फाइल के अंदर पेस्ट करके बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा सिंटेक्स दे देगा, तो वही मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से यूज़र का टेबल बनाया, जिसके अंदर यूज़र आईडी प्राइमरी की है, और उसी को हम लोगों ने पोस्ट टेबल के अंदर फॉरेन की बनाया। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यूज़र आईडी फॉरेन की, रेफरेंसेस यूज़र के साथ। तो यूज़र टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से फ़िलहाल हमारे अभी दो रिकॉर्ड है, और पोस्ट टेबल के अंदर भी हमारे दो रिकॉर्ड है। लेकिन इसके अंदर आप नोटिस करो तो आप देख सकते हो यूज़र की एंट्री यहाँ पे भी है। मतलब पोस्ट टेबल के अंदर एक जो यूज़र है वो मल्टीपल टाइम पोस्ट कर सकता है, उसने इमेज वन भी पोस्ट किया है, इमेज टू भी पोस्ट किया है। मतलब एक यूज़र की मल्टीपल एंट्री उसके चाइल्ड टेबल के अंदर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। लेकिन वन टू वन के अंदर क्या होता था, तो ये जो चाइल्ड टेबल है इसके अंदर हम लोग एक टाइम पे एक ही एंट्री कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा ही डिफरेंस है। तो इसको समझने का काफ़ी इजी तरीका है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जो हमारा पेरेंट टेबल होता है उसकी जो प्राइमरी की होगी, उसकी अगर चाइल्ड टेबल के अंदर मल्टीपल एंट्री अगर हम लोग कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब हमारा यूज़र तो एक होगा, लेकिन उसकी हम लोग मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं चाइल्ड टेबल के अंदर। और अगर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, अगर आप इसको मेनू टू वन बोलोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये जो पोस्ट टेबल है वो हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा, और जो यूज़र टेबल है वो राइट साइड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वन टू मैनी, मेनू टू वन, ये एक ही होता है, खाली टेबल इंटरचेंज हो रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर अगर हम लोग वन टू मैनी रिलेशनशिप अगर बना रहे, तो इसके अंदर यूज़र के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, किसके साथ, तो पोस्ट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम लोग इसको मेन्यू टू वन अगर बोलना चाहिए, तो वो जो टेबल है वो खाली इंटरचेंज हो जाएगा, तो पोस्ट पहले आ जाएगा और यूज़र बाद में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही चीज़ है, खाली अगर आपको किसी ने पूछा वन टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जांपल बताओ, तो आपको यूज़र टेबल को वन बताना है और पोस्ट टेबल को मल्टीपल बताना है। अगर आपको मेन्यू टू वन का बताना है तो पहले पोस्ट टेबल आपको मैनी बताना पड़ेगा और यूज़र टेबल वन के अंदर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको घुमा फिरा के इंटरव्यू के अंदर भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड मैं हर बार आपको बोलता रहता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा, इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा, लेकिन वो तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन इसका जो मतलब जो मेन गोल है, जो ये जो टर्म मैं आपको सिखा रहा हूँ वन टू मैनी, मैनी टू वन, तो इसका मेन गोल आपको खास काम आएगा कंपनी के अंदर। मतलब जब आप मतलब जब कंपनी के अंदर आपको जॉब लगेगी और एक्चुअल में आप काम करोगे, तो वहाँ पे जब आप डेटाबेस बनाओगे, तो वहाँ पे अगर आपको किसी को रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना होगा, तो वहाँ पे तो आप ऐसे बताओगे नहीं एक टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड है और चाइल्ड टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे, वैसा रिलेशनशिप बनाना है, तो वैसे हम लोग टॉक नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टेक्निकल टॉक करना पड़ेगा। तो उस केस में आप ये जो सिंपल अगर आप बोलोगे वन टू मैनी रिलेशनशिप हम लोग को बनाना है, तो आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारा पेरेंट टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की, और जो चाइल्ड टेबल है उसके अंदर फॉरेन की बनेगा,
और चाइल्ड टेबल के अंदर उसकी मल्टीपल एंट्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये जो टर्म है वो आपको आगे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले, तो इसलिए आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग सीखते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन। तो अगर समझो कोई कंपनी है जिसके अंदर 3 डेवलपर काम कर रहे हैं और उसी तरीके से 3 अलग अलग टास्क है, तो एक जो डेवलपर है वो 3 टास्क के ऊपर एक साथ काम कर सकता है, या फिर अगर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो तो ये जो 2 टास्क है तो उसके अंदर ये डेवलपर 1 भी काम कर रहा है और डेवलपर 2 भी काम कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनी टू मैनी, मतलब इसका जो प्राइमरी की है और इसका जो प्राइमरी की है इन दोनों की मल्टीपल एंट्री हो सकती है। तो वो कैसे, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे मैंने काम का डेटाबेस बना के रखा है, इसके अंदर एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसी तरीके से हमारा टेबल है टास्क का टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों टेबल इंडिपेंडेंट है, इन दोनों के बीच में फिलहाल कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो अभी हम लोग और एक टेबल बनाएंगे, चाइल्ड टेबल, जो है टास्क असाइन, और इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, उसको हम लोग रेफरेंस देंगे एम्प्लॉय से, और जो टास्क है उसको भी हम लोग रेफरेंस देंगे टास्क से। तो अभी ये जो टास्क असाइन टेबल है इसको हम लोग बोलेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय 1 2 3 और टास्क के अंदर T1 T2 3 3। तो उसके बाद टास्क असाइन टेबल के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय 1 जो है वो टास्क 1 के अंदर भी काम कर रहा है, टास्क 2 के अंदर भी काम कर रहा है, और अगर इसको अगर हम लोग उल्टा बोल सकते हैं तो ये जो टास्क 1 है इसके ऊपर एम्प्लॉय 1 भी काम कर रहा है और एम्प्लॉय 2 भी काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में ये जो टास्क असाइन वाला जो टेबल है इसको हम लोग मैनी टू मैनी टेबल बोलते हैं। और अगर हम लोग को जानना हो कौन सा एम्प्लॉय कौन से टास्क के अंदर काम कर रहा है तो फिर कुछ इस तरीके से हम लोग इनर ज्वाइन या फिर आप लेफ्ट ज्वाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो टास्क असाइन को मैंने इनर ज्वाइन किया है एम्प्लॉय के साथ, और उसी के साथ टास्क असाइन को हम लोगों ने इनर ज्वाइन किया है टास्क के साथ, क्योंकि टास्क में से हम लोग को नाम लेना था और एम्प्लॉय में से भी नाम लेना था। तो मतलब टास्क टेबल से हम लोग को डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो अनिल जो डेवलपर है वो टास्क 1 के अंदर काम कर रहा है, और वही अनिल टास्क 2 के अंदर भी काम कर रहा है, उसी के साथ अक्षय जो है वो टास्क 1 पे भी काम कर रहा है, और अक्षय जो है वो टास्क 2 पे भी काम कर रहा है। और इसी को आप उल्टा भी बोल सकते हो, मतलब ये जो टास्क 1 है उसके ऊपर 2 लोग काम कर रहे हैं, अनिल भी काम कर रहा है और अक्षय भी काम कर रहा है, उसी के साथ जो टास्क 2 है उसके अंदर भी 2 लोग काम कर रहे हैं, अनिल और अक्षय। तो इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी की वाला जो टेबल है, मतलब एम्प्लॉय और टास्क, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर 2 हमारे पैरेंट टेबल है, तो उन दोनों की ये जो टाइल टेबल है उसके अंदर मल्टीपल एंट्री हो रही है, कितने भी एम्प्लॉय हो सकते हैं कितने भी टास्क हो सकते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी यूनिक नहीं रखा हुआ है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खास करके मैंने जैसे बोला आपको इंटरव्यू के अंदर काम तो आएगा ही, लेकिन जब आप एक्चुअल कंपनी में काम करोगे एक्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन करोगे तब आपको ये जो टर्म है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे, और यही टर्म का यूज़ करके मतलब यही जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग पूरे डेटाबेस जब बनाएंगे आगे तब ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जब भी आपको अभी आगे आने वाले एपिसोड में जब हम लोग डेटाबेस बनाएंगे तब मैं यही जो टर्म है वो यूज़ करने वाला हूँ, 1 to many रिलेशनशिप बनाना, many to 1 बनाना, 1 to 1 बनाना। तो उसके अंदर आपको अच्छे से आइडिया आ जाना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ। तो इसलिए आपको अभी मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और ये जो कोड है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ये सारा कोड ले सकते हो। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, आपको जितना भी टाइम मिलता है अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप एक बार वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको 10-20 बार प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करना है, हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटा प्रैक्टिस किया फिर एक हफ्ता कुछ भी नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे मतलब फ़ायदा नहीं होगा। हर दिन आपको एक एक दो दो घंटा प्रैक्टिस करना ही करना है, और जितना भी टाइम मिलता है वो टाइम खुद के ऊपर आपको यूज़ करना है, उसको वेस्ट मत करो। सक्सेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप एक ही दिन के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगा, सालों साल आपको लगेंगे, सालों साल आपको लगे रहना है, लगे रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उन सभी के साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल जरूर जरूर शेयर करना है। और जिसको भी स्टार्टिंग से सीखना है एकदम बेसिक से HTML CSS जिसको सीखना है तो उनके साथ आप ये प्लेलिस्ट मेरी शेयर कर सकते हो। अदरवाइज आपको डायरेक्ट पाइथन सीखना है, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सीखना है, डायरेक्ट डेटाबेस सीखना है,
या फिर टेलवाइन सीएसएस, उसकी भी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।